जो है गुजरान चलाना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी सरकार कुछ करे हमारे फूलों के किसानों के लिए तो ठीक है, नहीं तो हम तो खत्म है। ऐसे कोई काम नहीं हो रहा है जी, फूलों की खेती बाड़ी में हम यहाँ से तोड़ के भगवान को देते थे, चढ़ाते थे और सबकी शादी ब्याह में जाता था फूल, अभी सब खुशी खुशी ले जाते थे, अब बिल्कुल काम नहीं है तो घर चलाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है हमको। गुजरात के राजकोट में गुलाब की खेती करने वाले मौजी भाई के लिए जिंदगी फिलहाल कांटों सी हो गई है। बर्बादी की कहानी सुनाते सुनाते आंखें यूं बरसने लगती हैं। लॉकडाउन के कारण देश भर में फूल उगाने वाले किसान बर्बादी के उस मुहाने पर आ गए हैं जहां से इन्हें अपनी बेहतरी की अब कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। लॉकडाउन जब से लागू हुआ है तब से हमारा धंधा एकदम बंद हो गया है। एक महीना और 6-7 दिन हुए फूलों की बाजार सब बंद है और रोज का जो खर्चा जो चलता है वो चलता ही रहता है। हमारों को दाढ़ी भी देनी पड़ती है, फूल निकाल के हमको फेंकना पड़ता है। यही हाल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किसान आसिफ का है। कर्ज लेकर जरवेरा जैसे महंगे फूलों की खेती की, लेकिन लॉकडाउन के कारण शादी ब्याह और दूसरे समारोह ठप होने से फिलहाल सब बर्बाद हो गया है। अब कर्ज चुकाने और घर चलाने की चुनौती बढ़ती ही जा रही है। जरवेरा फ्लावर का पॉली हाउस मैंने स्टार्ट किया जो 60 लाख की लागत से संपन्न हुआ है, जिसकी सब्सिडी भी मुझे नहीं प्राप्त हुई है और अभी इसमें फसल का प्रोडक्शन प्रारंभ ही हुआ था कि लॉकडाउन लगा दिया गया। मैंने एक भी फूल अभी इसका बेचा नहीं है। जालौन और मेरठ में गेंदा की खेती करने वाले किसान भी बेहाल हैं। इनके लिए एक फूल तक बेच पाना मुश्किल साबित हो रहा है। इससे मायूस किसान अब इन फूलों को तबाह करने को मजबूर हो गए हैं। कोई डिमांड नहीं आ रही मार्केट में, ना फूल टूट रहा है ना बिक रहा है। तो फिर ऐसे में क्या हो रहा है फूलों का? कुछ नहीं लगाया, खेत में सूख जाता है अपने आप, झड़ जाता है और लेबर काम कर रही है उनको पैसे भी नहीं दे पा रहे हैं। 125 करीब में मेरे पास अपना गेंदे का फूल है और जाफरी मार्केट अलग अलग वेराइटियों का फूल है और हमारे 1700 होता हुआ आ रहा है खेती फूलों की, तो करीब 10-12 लाख रुपये का नुकसान हो लिया। इसमें करीब 3-3.5 लाख रुपये हमारा खर्चा आ चुका। इसमें करीब 20 परिवार की तो लेडीज काम करती हैं और 10 नौकर काम करते हैं, करीब 30 परिवारों की रोजी रोटी चल रही थी हमारे साला। रायबरेली में फूलों की खेती करने वाले किसानों का हाल इससे अलग नहीं है। किसान अब सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसान है बच्चा हमारा जितना है बाहर जात रहा, फूल जा नहीं रहा है, अपना बताओ बहुत परेशान है हम लोग। लॉकडाउन की वजह से 1.5 महीना हो गए लमसम, हम लोग को बहुत दिक्कत आ गई है, खाने के लिए हम लोग तबाही आ गई है, खर्चे भी नहीं है, इसलिए सरकार से कुछ मदद चाहते हैं। घर का खर्चा हम लोग चला नहीं पा रहे हैं, हमारे बीबी बच्चे बहुत परेशान हैं, मजदूरी करते थे वो भी सारा कुछ बंद हो चुका है, अब बोलो हम लोग क्या करें। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और बनारस फूल जाता था, अब हम लोग इससे बहुत नुकसान हो गया हम लोगों का और हम लोग बहुत परेशान हैं। दिलकश और खूबसूरत फूल लेकिन बेमोल, लॉकडाउन ने इन फूलों से रंगत छीनी और इन्हें उगाने वाले किसानों से सब कुछ। ऐसे हालात में अब सिर्फ सरकार ही इन किसानों की मदद कर सकती है, लेकिन अब तक सरकार ने ऐसी कोई मंशा नहीं दिखाई है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से मुमताज अहमद, जालौन से अनुज कौशिक, रायबरेली से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।